ट्रैफिक पुलिस की ओर से मंगलवार को पड़ाव से सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई टीआई सुनीता गुर्जर और निगम के अतिक्रमण दस्ते ने मिलकर अंजाम दी। इस दौरान दुकानदारों और ठेला चालकों ने जमकर हंगामा भी किया, लेकिन बिगड़ते ट्रैफिक के कारण सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस ने तुरंत हटवा दिया और निगम के कर्मचारियों ने सारा माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से गुस्साए दुकानदारों ने मदार गेट की दुकानें बंद कर दी। गुस्साए दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि ट्रैफिक अधिकारी सुनीता गुर्जर को जल्द से जल्द हटाया जाए। ऐसा है, अभी कांग्रेस के आए एक दिन हुआ नहीं मुख्यमंत्री बनने पर, और आम जनता को किस तरह परेशान करा जा रहा है। आप देखिए, मेन मार्केट जो कि शहर की धड़कन है मदार गेट, यहाँ पर सुनीता गुर्जर नाम की जो अधिकारी लगी हुई है ट्रैफिक में, उन्होंने यहाँ पर लोगों को दुकानों से बाहर निकाल निकाल कर धक्के मुक्की कर पुलिस में बंद कराया है। उनके जो काउंटर थे उनको बाहर खींच के पटका है, काफी लोगों का नुकसान हुआ है। इस तरह की नादरशाही अगर कांग्रेस सरकार के एक दिन मुख्यमंत्री हुआ नहीं उससे पहले होने लग गई है। आज से पहले भाजपा सरकार में इस तरह की किसी प्रकार की नादरशाही जनता के साथ नहीं हुआ करती थी। हर गरीब जनता शांति से कमा रही थी और वही काउंटर उतना ही पहले था जो आज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज जनता के संग उनको काउंटर को फेंक रहे हैं, उनको पुलिस में बंद करा रहे हैं। मदार गेट से लेके पूरा पड़ाव स्थित इतना जो मेरा की क्षेत्र पड़ता है वार्ड, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा जनता को परेशान करा, उनको मार के उनके काउंटर को खींच के और यहाँ से पुलिस में उनको बंद कराया गया। इस तरह की नादरशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनीता गुर्जर नाम की जो अधिकारी है उसको यहाँ से हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया गया, गलत फहमी में हो कि आज सचिन पायलट जी आ गए तो हमारी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। जनता हमारे साथ है, हम यहाँ पर धरना देंगे और किसी प्रकार का इस तरह के अधिकारियों की हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जनता के साथ भाजपा सरकार हमेशा रही है, कभी उनको परेशान नहीं करा है और ना ही आगे हम होने देंगे। तो पूरा मार्केट बंद करके आगे इसको हम बढ़ाएंगे, अगर इस तरह की अनादशाएं चलती रही तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त। जिस प्रकार से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पुलिस द्वारा पड़ाव के व्यापारियों से जिस प्रकार से बदतमीजी करी गई है और उनका सामान जब्त किया गया है, ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि मदार गेट व्यापारिक और पड़ाव स्थित क्षेत्र जो ये पूरा है, वहाँ पे जो ये इनकी व्यवस्था है सुचारू रूप से पहले भी ऐसे ही चलती आ रही है, उसमें कोई किसी प्रकार का पहले भी बदलाव नहीं था, और मुझे लगता है अभी भी इस प्रकार की कार्रवाई की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की बर्बरता है, और इस पे सुनीता गुर्जर को यहाँ पर आके सभी व्यापारियों के समक्ष माफी मांगनी चाहिए। कार्रवाई में आज जबरन गरीब जो लोग हैं जो रोज कमाते हैं उनके ठेले को उठाया गया और व्यापारियों से सामान छीनकर और आज बसों में भरा गया है। आज व्यापारी ने बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमारे जो सामान है दुकान के अंदर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है, जो कि आज इसको लेकर आज यहाँ सारे व्यापारी में बहुत ज्यादा रोष है। हम चाहते हैं कि सुनीता गुर्जर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उसको सस्पेंड किया जाए, हमारी एक ही मांग है, और आज इसको लेकर सभी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, आज सुनीता गुर्जर के इस रोष को देखते हुए आज सभी व्यापारियों ने यहाँ पे अपनी अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद कराए, और आगे अगर सुनीता गुर्जर को नहीं हटाया गया तो ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। वही टीआई सुनीता गुर्जर का कहना है कि उन्हें काफी लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण राहगीरों को आने जाने में तकलीफ होती है, और यह उन्होंने कार्रवाई यातायात को सुचारू करने के लिए की है। उनका कहना था कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन क्लॉक टावर थाना पुलिस के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। ये पड़ाव और मदार गेट को लेकर के अजमेर में आए दिन अतिक्रमण को लेकर के और रास्ता जाम होने की शिकायतें आती रहती है। इन लोगों को मैं आज की कार्रवाई से पूर्व 5 बार खुद आकर के इनको बहुत प्यार से समझा बुझा करके गई हूँ। मैं आती हूँ तब ये सामान ले लेते हैं और तुरंत गाड़ी के जाने के बाद में सामान वापस एज इट इज ये लोग रख देते हैं, और इसी को देखते हुए कानून की सख्ती को करते हुए आज मैंने ये कार्रवाई की है। आज इनका सामान हमने और नगर निगम दोनों ने मिलकर के इसको जब्त किया गया है। आगे भी टाइम दिया आपने? आगे अभी कुछ व्यापारी जो बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, उनको बोला है ठीक है 3 दिन का टाइम है, जो ये मंडी जो अपनी अनाज मंडी और ये जो पूरी मंडी है इसके जो व्यापारी कह रहे हैं हमें 3 दिन का टाइम दीजिए, हम आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके और जो सामान है वो हमारा अंदर ले लेंगे। तो 3 दिन तक का इनको टाइम दिया जाता है केवल मंडी वालों को, और अगर ये नहीं करते तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई आज की तरह से की जाएगी। आज ओनली पड़ाव में शुरू हुए, अभी अपना बाजार के सामने से लेकर के यहाँ तक की गली का किया है, और आगे अभी 2-4 जगह और करने। विरोध भी दिखाया गया? विरोध तो साफ होगा ही, क्योंकि समझाइश से मानते नहीं तो हमें तो सख्ती अपनानी पड़ेगी। विरोध ये कि हमारा सामान नष्ट हो रहा है, आपका सामान नष्ट हो रहा है, 10 फीट की दुकान है और 10 फीट आप बाहर घेर के बैठे हैं, तो 10 फीट जो घेर के बैठे हैं उससे आज हमारे सड़क जो है आवागमन वो कितना नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक जाम होता है,
आए दिन हमारा मानव संसाधन है वो कम है, हर जगह व्यक्ति खड़ा रह नहीं सकता है और ये लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, इसलिए आज सख्ती के साथ कार्रवाई की गई है। गाड़ियों की भी बिल्कुल साफ इनकी भी की जाएगी, समय रहते हुए बिल्कुल धीरे धीरे हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।